शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 22 शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 22 दाऊद का एक भजन। और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सन्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दोहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी, और आकाश की नेवे कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे, और वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, और उसके पांव के तले घोर अंधकार छाया था, और वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया, और उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सन्मुख की झलक तो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तीतर बीतर कर दिया और बिजली गिरा गिराकर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की थाह दिखाई देने लगी और जगत की नेवे खुल गई। यह तो यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंके से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। उसके सब नियम तो मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट न गया, और मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, और दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? वह परमेश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है,
वह खरे मनुष्यों को अपने मार्ग में लिए चलता है। वह मेरे पैरों को हरणियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती है। और तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसलते। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत न किया गया तब तक न लौटा। और मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांव के नीचे गिरे पड़े हैं। और तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। और तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्होंने बाट तो जोही परंतु कोई बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जोही परंतु उसने उनको कोई उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूली के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं न जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे, परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे। वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे, परदेशी मुरझाएंगे और अपने कोठों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा।